गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बल्स ऑफ एक्सचेंज। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज बल्स ऑफ एक्सचेंज और किस तरीके से बल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज का एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन होता है। इस वीडियो में हम देखते हैं थ्योरी पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन से काइंड्स ऑफ बिल बनते हैं और किस तरीके से ड्रॉवी एंड ड्रॉवर के बीच में रिलेशंस मेंटेन होते हैं। काइंड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसका सबसे फर्स्ट काइंड है होनर ऑफ बिल। Honor of bill, H-O-N-O-U-R, honor of bill. Honor of bill का मतलब होता है, if the bill is meet on its due date, it is known as honor of bill. अगर drawer and drawee के बीच में relation बनता है, and drawee ये कहता है कि मैं 3 महीने का मैं आपका payment कर दूंगा, and drawee ने 3 months के अंदर उसका payment कर दिया, then this bill is known as honor of bill. Honor of bill का मतलब होता है कि on due date, on maturity date पे बिल का पेमेंट हो जाना, इट इज नोन एज होनर ऑफ बिल। सेकेंड इज डिसऑनर ऑफ बिल। अब क्या होता है डिसऑनर? डिसऑनर का मतलब होता है कि ऑन ड्यू डेट अगर ड्रॉवी अनेबल है बिल का पेमेंट पेड करने के लिए तो आपका बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर। इट मींस दैट ऑन ड्यू डेट drawee is unable to make the payment of the bill and request drawer to renew it. This is known as dishonor of bill. तो इसका actually meaning ये होता है कि अगर on due date drawee bill का payment नहीं करता है तो drawer उसके bill को क्या कर देता है? Dishonor कर देता है। तो second kind is dishonor of bill. Third kind is retirement of bill. Now see what is retirement of bill. रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है कि अगर ड्रॉवी ड्यू डेट से पहले ड्रॉवर को पेमेंट कर देता है, दिस इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। इफ द पेमेंट ऑफ बिल इज मेड बिफोर इट्स ड्यू डेट, इट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में ड्रॉवर द्वारा ड्रॉवी को कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाता है जो बिल में से माइनस होता है, then retirement of bill. Point number 4 is insolvency of bill. It means that अगर drawer ने जो bill बनाया है drawee के ऊपर, but drawee is unable to pay the bill, drawee पूरी तरीके से उसने हाथ ऊपर कर दिया, he surrendered that I am unable to make the payment of the bill, but on that situation सम अमाउंट हम उनसे रिकवर करते हैं जिसे फाइनल अमाउंट कहा जाता है, एंड जो अमाउंट हम ड्रॉवी से रिकवर नहीं कर पाते हैं दैट इज नोन एज द बैड डेट, जो हमारा उधारी टूट गया। सो हियर इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल में पूरा का पूरा पेमेंट ड्रॉवी की तरफ से नहीं मिल पाता है, ओनली 50%, 20% एंड सम परसेंट ड्रॉवर ड्रॉवी से रिकवर करता है एंड बाकी अमाउंट को एज अ बैड डेट शो कर देता है। सो स्टूडेंट्स, यहां आपने देखे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, ऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल। आइए अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख रहे हैं बेसिक जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इट मींस दैट जो सेलर रहता है हम उसकी बुक मेंटेन कर रहे हैं। एंट्री नंबर 1 आपको दिख रहा है, वी आर प्रिपेयरिंग हियर जर्नल एंट्री इन विच आपको कॉलम्स बनाने हैं डेट, पर्टिक्यूलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहली एंट्री में ड्रॉवर द्वारा ड्रॉवी को माल बेचा जाता है, इट मींस दैट गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू ड्रॉवी।
So drawer ki book mein drawi ko maal becha. It means that drawi is the receiver. So drawi here, yahan pe aapka drawi ho gaya debit. And aapne maal becha, aapne sale kiya, goods goes out, to aapka sale account yahan pe ho gaya credit. To aapki pehli entry hogi yahan pe drawi account debit to sales account. Now entry number 2. एंट्री नंबर 2 में ड्रॉवर ड्रॉवी को एक बिल बना के देता है. इट मींस दैट ड्रॉवर ड्रॉस अ बिल ऑन ड्रॉवी. सो हियर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड ड्रॉवी जिसके ऊपर बिल बन रहा है उसका अकाउंट यहां पे हो जाएगा क्रेडिट. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब आप बिल बनाते हो तो ड्रॉवी, जब ड्रॉवी के ऊपर जब हम बिल बनाते हैं देन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ऑलवेज बी डेबिटेड एंड ड्रॉवी अकाउंट ऑलवेज बी क्रेडिटेड. सो हियर ड्रॉवर ने ड्रॉवी पे बिल बनाया तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो गया एंड ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट हो गया. एंट्री नंबर 3. एंट्री नंबर 3 में ड्रॉवर द्वारा बिल बैंक में डिस्काउंट किया जाता है. अब यहां पे ड्रॉवर ड्रॉवी से बिल वापस लेता है एंड उसको बैंक से डिस्काउंट करवाता है. सो हियर बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. सो एंट्री नंबर 3 यहां पे आपका बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जिसको आप मेंशन करोगे बीइंग बिल इज डिस्काउंटेड बाय बैंक. Now here, due date of the bill आ चुका है, 3 महीने बिल की बिल को हो चुके हैं. अब यहां पे ड्रॉवी द्वारा ड्रॉवर से रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई साहब आप मुझे कुछ टाइम का कुछ टाइम दीजिए ताकि मैं आपको बिल का पेमेंट कर सकूं. अब यहां पर ड्रॉवर ने ड्रॉवी के बिल को कैंसिल किया है. इट मीन्स कि जो पुराना बिल है वो क्या हो चुका है, डिसऑनर. सो स्टूडेंट्स, जब कभी भी बिल डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री आप माइंड में सेट कर लीजिए. जब कभी भी बिल आपका डिसऑनर होता है इन दैट सिचुएशन ड्रॉवी अकाउंट ऑलवेज बी डेबिटेड एंड बैंक. इट मींस दैट जिसके पास बिल है, हमारा बिल हमने कहां से डिस्काउंटेड करवाया था, बैंक से डिस्काउंट करवाया था. सो हियर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड हियर. सो अगर बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होता है एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है. नाउ हियर एंट्री नंबर 5 में ड्रॉवी द्वारा सम पार्ट पेमेंट ड्रॉवर को पे किया जाता है. इट मींस दैट वो फुल अमाउंट पे नहीं करता है एंड वो कुछ पार्ट अमाउंट पे करके अपना एक नया बिल हमसे लेता है. सो यहां पे ड्रॉवर ड्रॉवी को कुछ पार्ट पेमेंट पे कर रहा है. इट मींस दैट कैश अकाउंट डेबिटेड बिकॉज वी आर ड्रॉवर, हमने कैश रिसीव किया एंड ड्रॉवी इज अ गिवर. सो ड्रॉवी अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो गया. सो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट. अब आपने ड्रॉवी के ऊपर एक नया बिल बनाया. सो एंट्री नंबर 6 में आप क्या करोगे, उसके ऊपर एक फ्रेश बिल बनाओगे और उस पर आप इंटरेस्ट भी जोड़ोगे. सो यहां पे एंट्री नंबर 6 आपकी होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज इंटरेस्ट आपके लिए इनकम्स हैं एंड ऑल इनकम्स गेन्स एंड प्रॉफिट्स हमारे लिए क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं. सो एंट्री नंबर 6 आपने क्या बनाया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट. नाउ एंट्री नंबर 7, सेकेंड बिल का ड्यू डेट आ चुका है. अगर ड्यू डेट पे ड्रॉवी फुल अमाउंट का पेमेंट करता है तो आपका बिल कहलाता है हॉनर, जो हमने देखा है व्हाट इज हॉनर ऑफ बिल. सो यहां पे ड्रॉवी ने आपको पूरा का पूरा पैसा दे दिया. एंट्री नंबर 7, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, इसका मतलब है कि आपका ड्रॉवर ड्रॉवी का रिलेशन यहां पे कंप्लीट होता है एंड बिल हमें मिल जाता है. सो कैश अकाउंट डेबिट एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हियर. ये हो गई सिचुएशन नंबर 1. सिचुएशन नंबर 2, अगर ड्रॉवी ने आपको ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया रहता था
सो यहां पे आप करते थे कैश अकाउंट डेबिट, उतने पीरियड का आप उसको इंटरेस्ट कम लेते थे, दैट इज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड टू बिल्स रिसीवेबल. सो एंट्री नंबर 8 हमने क्या किया, बिल को रिटायर किया है. हमने पढ़ा अभी 2 मिनट पहले रिटायरमेंट ऑफ बिल किसे कहते हैं. रिटायरमेंट का मतलब होता है ड्यू डेट से पहले पैसा आना और बिल में डिस्काउंट देना. नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, अगर ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होता है, इट मीन्स दैट ड्रॉवी ने हाथ ऊपर किए हैं, ड्रॉवी सरेंडर करता है कि मैं आपको बिल का पेमेंट नहीं कर सकता हूं. तो यहां पे स्टूडेंट्स आपको 2 एंट्रीज करनी है. पहली एंट्री होगी डिसओनर ऑफ बिल, क्योंकि आपको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है तो आप पहले बिल को कैंसिल करोगे. सो पहले बिल को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल हमारे पास में है. सो यहां पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया. एंड सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, आपने अगर 50% अमाउंट रिसीव किया है, 20% रिसीव किया है, 40% रिसीव किया है, तो जितना भी आपने रिसीव किया है उतना आपको कैश मेंशन करना है डेबिट. बैड डेब्ट्स, जितना आपका पैसा डूब गया उतना आप करोगे डेबिट. एंड टू ड्रॉवी अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवी के ऊपर उतना आपका बैलेंस रिमेनिंग था. सो हियर यू मेंशन द नरेशन दैट बीइंग फुल एंड फाइनल अमाउंट कुड बी रिकवर फ्रॉम ड्रॉवीज प्राइवेट एस्टेट. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपने देखी बेसिक जर्नल एंट्रीज इन, यहां हमने देखा थ्योरीज एंड बेसिक जर्नल एंट्री ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस रिगार्डिंग कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं.